नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। क्या कहने साहब, क्या कहने। आज बाजार में हुई एक अच्छी खासी गिरावट और हम साहब उम्मीद पे बैठे थे कि ऊपर जाएगा। कोई बात नहीं, हमने आज माल दबा लिया साहब। गिरावट तो मैं छोड़ता नहीं, कभी भी दोस्तों मैं गिरावट छोड़ता नहीं हूं, बाय एंड डिप करता रहता हूं, आदत से मजबूर हूं साहब। देखेंगे क्या इस एक्सपायरी 17,000 आएगी, यानी कि अगर आ गई तो फिर हमारी बल्ले बल्ले होगी, जिस प्रकार 16,500 बाजार आया था और आपको मैंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा था। ये मौके होते हैं, गिरावट जो होती है मौके होते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और जो मैं कह रहा हूं अपने उसको विश्वास कर रहा है, तो बायोडिप जो आज बाजार हुआ इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई साहब खरीदने की। खरीद लिए थोड़े बहुत फ्यूचर निफ्टी के। फ्यूचर में किस तरह काम होता है वो मैंने आपको अपनी क्लास में बता रखा है। फ्यूचर में काम करा करो, फ्यूचर बहुत बढ़िया है, ऑप्शन से बढ़िया फ्यूचर है साहब, पक्का फ्यूचर। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, थोड़े से शब्द मेरे पकड़ लो, बस आपका काम हो गया। देखो दोस्तों, आज बाजार में क्या हुआ, गिरावट हुई साहब, गिरावट हुई। और मैंने आपको पिछली कई 2-3 वीडियो में, मेरे ख्याल से अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपने मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश की होगी। मैंने कहा था 16,600 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, तो 16,550। क्या कहने साहब, तो 16,550 और मेरे ख्याल से 16,564 का एज एक लो बनाता है हमारा भारतीय बाजार। और क्या कहने साहब, क्या कहने। आज FII DII दोनों भाई मिलके बेच गए माल कितने का, मेरे ख्याल से 800 कुछ करोड़ का, एक राउंड फिगर मान लेते हैं, 800 करोड़ का माल बेच के गए FII और 72-73 करोड़ का माल बेच के गए साहब DII। अब साहब जो बंदा आज, जिसने शॉर्ट नहीं बनाया होगा ना, सिर्फ डाटा का इंतजार कर रहा होगा, वो कल डेफिनेटली पक्का 101% साहब शॉर्ट बनाएगा। और ये दोनों भाई साहब खरीदारी करेंगे और फिर बाजार देखना आप, अगर मैं सही हुआ। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम ही साहब तुर्रम खा बन जाए, बाजार हमारी जो हमने सोच रखा उसके विपरीत भी जा सकता है। बाजार है, सुप्रीम है, तो इसीलिए अपने स्टॉप लॉस के साथ मैं हमेशा ट्रेड करता हूं, लॉस मान के चलता हूं कि हाँ भाई इतना लॉस मेरा इसमें होगा, जरूर होगा, और उस लॉस के बाद मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाता हूं। अगर मैं ट्रेडर हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो चलेंगे साथ साथ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर बाजार में कॉल ले रखी तो बाजार ऊपर ही ऊपर, मैंने अगर पुट ले रखी तो बाजार नीचे ही नीचे, ऐसा नहीं है। बाजार दोनों तरफ चलता है, पुट को भी मारता है और कॉल को भी मारता है। तो दोस्तों, जो साफ शॉर्ट बना के नहीं गए होंगे वो कल डेफिनेटली शॉर्ट बनाएंगे और फिर बाजार में ये दोनों भाई खरीदारी करेंगे। इस समय आप अगर इंटरनेशनल मार्केट पे नजर डालोगे ना, तो मेरे ख्याल से क्रूड भी ऊपर दिखेगा, FII भी आपको निगेटिव डाटा दिखेगा, मेरे ख्याल से डॉ फ्यूचर इस समय ऊपर हो सकता है कि आज अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी तेजी ना आ जाए और बाजार खुले ही साहब ऊपर, खुले ऊपर। और आप ये सोचो, खुल गया ऊपर, मजे आ गए, अब तो शॉर्ट करेंगे क्योंकि FII DII इस माल बेच के गए। तो भैया ऐसी गलती मत करना, जब तक बाजार 16,500 के ऊपर है ना मेरे भाई, उसमें इतना जान है निफ्टी के अंदर जो बाजार को 16,800 के ऊपर भी ले जा सकती है। और इसीलिए मैंने अपना टारगेट जो दिया है वो 17,000 ऐसे ही नहीं दिया। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, शॉर्ट में मत फंसिए। शॉर्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में पैसा नहीं बनना, मैं बाय एंड डिप में हूं, मेरी अलग रणनीति है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट को बुक करते चलो, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करो, शॉर्ट के लिए पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करो। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करी, मान लिया नीचे निफ्टी खुला है, तो उसमें प्रॉफिट को बुक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ज्यादा लालच मत करो इसमें, बाजार में क्या है, छोटा छोटा प्रॉफिट लो, क्योंकि बाजार इस समय रिटेल को ट्रैप कर रहा है, यानी कि पब्लिक को फंसा रहा है, आपको नहीं फंसना है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको नहीं फंसना है, जैसा मैं कह रहा हूं उस हिसाब से करो। बड़े चलाक होते हैं ये, बहुत गहरी रणनीति से काम करते हैं। अब दोनों भाइयों को क्या जरूरत थी आज बेचने की, अब बेचा भी है तो थोड़ा सा, 72 करोड़ का मेरे ख्याल से DII ने बेचा, 800 करोड़ का FII ने बेचा, कल खरीद लेंगे साहब। अब जब खरीदेंगे तो फिर बाजार में वही तेजी होगी। मेन मकसद क्या है, रिटेल फोकस कौन है, रिटेल। पब्लिक क्या करती है, शॉर्ट माल, ये क्या करेंगे, लॉन्ग। रिटेल को टारगेट किया जाता है मेरे भाई इस बाजार में, रिटेल को टारगेट, पब्लिक क्या करेगी, शॉर्ट, और ये क्या करेंगे, लॉन्ग। बस इस चीज को समझ लो, आपका काम हो गया। बाजार कल ऊपर भी जाएगा डेफिनेटली, आप देखोगे, क्योंकि जब तक 16,500 होल्ड है,
मैं बाजार में बुलिश हूँ और इसलिए बायोडिप कर रहा हूँ। आज भी थोड़ा सा सामान लेके गया हूँ और साहब कल देखता हूँ, कल बाजार शायद ऊपर चला जाए, थोड़े से पैसे मुझे भी हाथ लग जाए। तो ये मार्केट अपडेट्स था मेरे भाई, और कुछ नहीं है। आपको चाल समझनी है FII और DIS की, इन्हीं दोनों बंदों की चाल पे ये बाजार पूरा केंद्रित होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। आपको और रिटेलर की तरह नहीं बनना है, आपको कुछ अलग हटके सोचना है, तभी आप बाजार में पैसा कमाओगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली। नमस्कार।